अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड माय व्यूअर, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं यखनी पुलाव भी बना रही हूँ, तो ये स्पेशल साथ मैं बना रही हूँ चटनी। तो ये चटनी देखें, मैंने एक लहसुन लिया है बड़ी बूटी, और एक धनिया की बूटी ली है, एक पुदीने की, और साथ मिर्ची हरी ली है। तो फ्रेंड, इन सबको मैं इस मिट्टी की कुंडी में पीसूँगी। तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप भी बनाइएगा, खाइएगा। तो ये पुदीना तो हाजमे के लिए भी अच्छा है, जलन वलन भी वो सीने में तो इससे ख़त्म हो जाती है फ्रेंड। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी, मिर्ची भी हरी भी कर दी, पुदीना भी कर दिया, लहसुन भी। तो फ्रेंड, अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ साथ ही, ये नमक भी मैंने ऐड कर दिया। तो फ्रेंड, अभी मैं इसको इस कुंडे से अच्छी तरह बनाऊँ। तो कुंडी ये मिट्टी की जो होती है बर्तन, इनमें बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट आता है, खानों का भी मैं अक्सर बनाती हूँ। तो फ्रेंड, आप देखते रहें, तो ये सारी मैं ऐसे ही पीसूँगी, इसको बरीक करूँगी। तो देखते रहें, आप मेरे साथ रहिएगा। तो फ्रेंड, दो दिन मैं खानों में बिजी रही थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कल भी कढ़ाई बनाई थी और पुलाव बनाया था, वानी पुलाव, तो मैं शेयर नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि मेहमान थे, थोड़ी बिजी थी। तो ईद वाले दिन बस थोड़ी फुर्सत मिल गई थी, तो मैंने वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो फ्रेंड, अभी साथ ही मैं पुलाव भी बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड एंड व्यूअर, कि मैं पुलाव भी बना रही हूँ। अभी मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, तो गोश्त मैंने अच्छी तरह गोश्त को मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है, ये देखें। तो पुलाव तो आपने देखा ही, मैं पहले भी बना के आपको दिखाया है यखनी पुलाव। इसमें मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर ऐड कर लिए हैं, गरम मसाला भी, तो इसकी महक ख़त्म हो जाती है। तो अभी साथ साथ मैं प्याज भी फ्राई कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं चटनी भी बना रही हूँ। तो ये चटनी आपकी लिए बहुत अच्छी है, लहसुन भी हमें खाना चाहिए, इससे वेट भी कम होता है। तो फ्रेंड, देखते रहें, मेरे साथ रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप फ्रेंड और व्यूअर तक पहुँच सके। तो फ्रेंड, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी स्पाइसी स्पाइसी ग्रीन चटनी। तो मैं फुल बना के आपको दिखाती हूँ। तो साथ साथ मैं प्याज बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, और फ्रेंड मेरा पुलाव बिल्कुल तैयार होने वाला है। मटन तो मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, देखें। तो मैंने कहा पुलाव रोज़ ही बनाती हूँ, चलो सब खाते हैं शौक से। तो फ्रेंड के साथ आज शेयर करती हूँ। तो ये देखें, चटनी हमारी भी बन गई है फ्रेंड। आपको ज़रूर पसंद आएगी, फुल वीडियो देखना फ्रेंड एंड व्यूअर। पुलाव की भी लुक दिखाती हूँ, तो इसकी भी आपको। और फ्रेंड देखें, मैंने चटनी भी तैयार कर ली है ग्रीन। ये पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है, साथ मैंने रायता बना लिया ग्रीन, इसी चटनी का थोड़ी ऐड करके दही के साथ। और फ्रेंड, इस पुलाव के साथ खाएंगे तो देखें पुलाव कितना मज़े का बना है। हड्डियों वाला मैंने बनाया देखें, मटन का, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड। तो कितना स्पाइसी बना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी, तो फ्रेंड आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। तो लुक देखें फ्रेंड, कितनी अच्छी आ रही है। और रहता तो चावलों के साथ लाजमी होता है, वैसे खाए नहीं जाते, तो मैं तो रहते के बगैर खाती नहीं हूँ, चाहे दही हो या रहता ग्रीन हो। तो फ्रेंड, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप फ्रेंड और व्यूअर से मुलाकात होगी।
तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू ऑल माई फ्रेंड एंड व्यूअर, अल्लाह हाफिज़।